तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं DNS एनुमरेशन टूल को कैसे यूज करना है। सो हे गाइस, दिस इज साइबर ऋषि बैक हियर विद द न्यू वीडियो ऑन पैराडॉट ऑपरेटिंग सिस्टम ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है ये DNS ENUM, जिसका मतलब होता है DNS एनुमरेशन। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस टूल के बारे में बताऊंगा और इसको एक बार यूज करके देखेंगे। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो इस टूल को चलाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। हम लोग कमांड लाइन के थ्रू भी चला सकते हैं और ग्राफिकली भी चला सकते हैं। सो पहले ग्राफिक वाला बता देता हूं। तो ग्राफिकली हमें क्या करना होगा, हम यहां जाएंगे, पेन टेस्टिंग में जाएंगे और उसके बाद इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर DNS एनालिसिस में, और यहां पे हमें ये वाला टूल मिल जाएगा। और भी कई सारे टूल होते हैं इस चीज़ के लिए। और अगर कमांड लाइन की बात करें तो सीधा हमें यहाँ पे टर्मिनल खोलना पड़ेगा और उसके बाद हम इस टूल का सीधा यहाँ पे नाम डाल देंगे, DNS और ENUM जो भी है, और एंटर हिट करेंगे तो वो वहाँ से ऑन हो जाएगा। और ये टूल हम लोग काली लिनक्स पे भी चला सकते हैं, साथ के साथ पैरट OS में भी चला सकते हैं। सो अभी मैं चला रहा हूँ इसको पैरट OS में। और अगर आपके पास काली लिनक्स है सो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, काली लिनक्स के अंदर भी आराम से काम करता है, उसके अंदर भी होता है और पैरट में भी चलता है। सो ये हो गई इस टूल के बारे में थोड़ी सी बातें, अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं। सो मैं अभी इसको टर्मिनल पर चलाने वाला हूँ। सो टर्मिनल पर मैं एक बार डालता हूँ DNS इसका पूरा नाम। सो यहाँ पे ये टूल खुल जाएगा और इसके ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या क्या कमांड्स इसके अंदर यूज़ होंगी। सो ये सारे ऑप्शंस हमें ये बता देगा। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इससे हम लोग करते क्या हैं, इसके यूजेस क्या क्या है। सो इससे हम लोग IP निकाल सकते हैं एक डोमेन की, एक वेबसाइट की, सब डोमेन्स निकाल सकते हैं, सर्विसेज के बारे में नॉलेज ले सकते हैं और उसके रिकॉर्ड्स के बारे में भी हम लोग जानकारी ले सकते हैं इस टूल की मदद से। और ये बेसिकली वैसे जैसे हुईस, अगर आपने चलाया होगा हुईस चलाया होगा और NS लुकअप अपने घर के कभी देखा होगा तो ये सिमिलर है उसके जैसा ही, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। अब इसके अंदर जो हमें ये रिजल्ट्स देगा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला अगर ये ए देगा हमें, अगर ये कैपिटल ए दिखाएगा तो कैपिटल ए का मतलब होता है IPv4 एड्रेस, जो कि अभी हम जब करेंगे इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे ए दिखाएगा। तो पहले ही एक बार बता देता हूँ, ए दबाएंगे तो उसका मतलब होगा IPv4 एड्रेस। उसके बाद एक चीज़ होती है इसके अंदर NS जिसका मतलब होता है नेम सर्वर, और MX जिसका मतलब होता है मेल एक्सचेंज सर्वर। तो बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि आपने भाई बता तो दिया NS मतलब नेम सर्वर और MX मतलब मेल एक्सचेंज सर्वर, बट यार वो होते क्या है वो तो बताओ। तो यार इस वीडियो में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो अलग है, मतलब ये DNS एनालिसिस और उस टूल के ऊपर है। बट इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं अच्छे से बताऊंगा कि NS नेम सर्वर और MX मेल एक्सचेंज सर्वर क्या होता है, और इसके अंदर थोड़ा सा हुईस और NS लुकअप के बारे में भी थोड़ा सा बताना है। इस वजह से इस वीडियो के अंदर तो कवर नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही बता पाऊंगा वो मैं। चार बार एक और आएगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे चार बार है, उसका मतलब होगा IPv6। तो एक काम करते हैं इसको पहले हम लोग स्टार्ट करके ही देख लेते हैं, सीधा टूल को एक बार चलाते हैं और परफॉर्म करके देखेंगे हम लोग गूगल पे। गूगल के अलावा हमें कोई वेबसाइट मिलती नहीं है, और किसी की वेबसाइट पे अगर हम अटैक करेंगे तो वो लीगल एक्शन कहीं पे ले ले, बट ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। सो हम गूगल पे करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं डालता हूँ एक बार उसका नाम और google.com। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही करना है, DNS ENUM, उसके बाद google.com, चाहे तो www. भी लगा सकते हैं या फिर एक google.co.in भी लगा लो, मर्जी है आपकी। और क्योंकि प्रैक्टिकल करके देखना तो कुछ भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग हिट कर देंगे एंटर को। सो यहाँ पे आ चुका है, ये काफ़ी फास्ट है वैसे तो। सो इधर इसने हमें बता दिया होस्ट नेम, और अब बात करते हैं। तो होस्ट नेम पहले बताया इसने google.com था, उसके बाद IN। सो IN का मतलब, मैंने अभी रिसेंटली YouTube पे एक वीडियो देखी थी इसी टूल से रिलेटेड, तो उसने IN का मतलब बताया था, वैसे एक लेडी थी वो, तो उसने IN का मतलब बताया था इंडिया। तो नहीं, उसका मतलब इंडिया नहीं होता, उसका मतलब होता है इंडिविजुअल IP। फिर A आ जाता है, A का मतलब मैं बता चुका IPv4 एड्रेस, और ये रहा उसका IP जो कि IPv4 है ऑब्वियसली। फिर आ जाता है नेम सर्वर, तो चार नेम सर्वर इसने हमें दे दिए हैं। सो अभी हमने करा है ये गूगल पे, अगर आप इसको किसी और की वेबसाइट पे परफॉर्म करेंगे, वैसे अगर बात करें तो गूगल काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, काफ़ी बड़ी है कंपनी, बट अगर आप इसको या तो अपनी फ्रेंड की या फिर कोई इधर उधर की वेबसाइट पे परफॉर्म करेंगे तो यहाँ का रिजल्ट पूरा का पूरा अलग आएगा आपके पास। यहाँ पे google.com नहीं लिखा होगा, वो नेम सर्वर उसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल एक्सचेंज सर्वर भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे मतलब जीमेल लिखा हो सकता है, क्या पता उसने जीमेल से मेल सर्विस ले रखी हो। और देन आ जाता है मेल एक्सचेंज सर्वर, सो यहाँ पे मेल एक्सचेंज सर्वर भी इसने बता दिए। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप इसको किसी और वेबसाइट पर यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग आने वाला है, ये बस प्रैक्टिकल के लिए हमने गूगल पर ट्राई करा था। और अब आते हैं हम लोग जोन ट्रांसफ़र पे। सो DNS जोन ट्रांसफ़र क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि DNS जोन ट्रांसफ़र होता क्या है। सो जोन ट्रांसफ़र और DNS जोन ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जो उस वेबसाइट की डिटेल्स होती हैं वो हमारे PC में स्टोर हो जाती हैं,
बट डिपेंड करता है वो वेबसाइट पे, अगर बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है उसके अंदर, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और अगर एक छोटी मोटी वेबसाइट है, आपके यार दोस्त ने बना रखी है, या फिर एक कुछ किसी ने नई वेबसाइट खोली है, तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि उसकी डिटेल्स आपके पीसी में स्टोर हो जाएं। तो ये था हमारा जोन ट्रांसफ़र। सो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइंग जोन ट्रांसफ़र फॉर google.com ऑन सारे नेम सर्वर पे उसने ट्राई करा, और नीचे फेल्ड ही हो जाएगा क्योंकि काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी होती है इस पर। और मैंने बोला था कि थोड़ा सा हुईस और नेम सर्वर लुकअप के बारे में भी बात करनी है, तो जो इसने हमको इन्फॉर्मेशन दी वो हुईस पे भी मिल सकती है हमें। एक बार जब मैं ट्राई करूँगा तो मैं डालता हूँ हुईस। सो यहाँ पे जब मैंने हुईस google.com डाला तो गूगल की बहुत इन्फॉर्मेशन ये हमें दे देगा। और हुईस को भी हम लोग, ज़रूरी नहीं कि हम टर्मिनल के अंदर ही यूज़ करें, हम सिंपल गूगल पे जाके भी हुईस चला सकते हैं। और ये इलीगल नहीं है बिल्कुल भी, किसी की इन्फॉर्मेशन लेना इलीगल नहीं होता, बट उस इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ करना इलीगल हो सकता है। सो यहाँ पे रहा डोमेन नेम google.com, रजिस्ट्री डोमेन नेम, काफ़ी सारी चीज़ें बता देगा हमें, रजिस्ट्री URL, क्रिएशन डेट, और इवन नंबर भी मिल सकता है। और सेम बात दोबारा बोलूँगा कि अगर आप इसको किसी और की वेबसाइट पे ट्राई करेंगे तो आपको वहाँ से उसका से नंबर भी मिल सकता है, ईमेल एड्रेस भी मिल सकता है, और एड्रेस भी मिल सकता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए। सो यहाँ पे नंबर मिल गया और उसका ईमेल भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें ये हुईस दे देता है। और रही बात NS Lookup की, सो अब आ जाते हैं NS Lookup की। तो यहाँ मैंने डाला NS Lookup और सेम google.com, उसके बाद सर्वर एड्रेस, उसका नेम सर्वर ये हमें बता देता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं होता, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, काफ़ी सिंपल है। सो ये सब होता है इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, एक टूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इम्पॉसिबल है कि हम A to Z सब कुछ कवर करें, सब आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा। आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो यार बेसिक से बेसिक ही बताते हैं लोग, और ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती हैं और टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, एक तो टाइम भी होता है कि इतना सब नहीं बता सकते। बाकी थोड़ा बहुत बता दिया, आप गूगल से जाके देख सकते हैं, और हर ऑप्शन के बारे में ट्राई करेंगे तो कर सकते हैं। और रही बात ब्रूट फोर्स अटैक की, तो यार वो तो पूरी तरीके से इलीगली होगा अगर मैं इसके ऊपर करूँगा तो। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड।